मेरे प्यारे दर्शन के भैया बहन, आज हम लोग प्रवास निर्माण की आवृत्ति करने चल रहे हैं। तो देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए शब्द रूप के आधार पर प्रथमा से तृतीया तक का वाक्य सेट बनाया गया है। अब देखिए, प्रथमा एक वचन में, पुल्लिंग में होता है क कौ के, प्रथमा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। वहीं स्त्रीलिंग में होता है का के का, और दो खंड में लिखा गया है। पहले पुल्लिंग का लिखा गया एक वचन, तब द्विवचन, तब बहुवचन। उसी तरह स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर द्वितीय का रूप लिखा गया पुल्लिंग का कम कौ कान, स्त्रीलिंग का काम के का। इसका भी अब लिखा गया, ऊपर वाला निर्देश है कि देखिए अकारांत, इकारांत, दुकारांत होता है, अब इसमें भी लिखा गया है। फिर आइए, ये तीन वाक्य के बाद, तीन तीन छ वाक्य, तीन पुल्लिंग, तीन स्त्रीलिंग, केन काभ्याम कई, कया काभ्याम का भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का तृतीया दिया गया है। अब इन शब्दों के द्वारा हम लोग प्रश्न निर्माण करने बढ़ते हैं। अब देखिए, क में क्या बैठा है, क पढ़ने से क्या समझ में आता है, तो पढ़ने वाले को समझ में आता है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। अब पुल्लिंग हो, बस चाहे कैसा भी पुल्लिंग, पुल्लिंग हो, अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, हलंत हो, जैसा भी पुल्लिंग हो उसका बोध होगा क से। तो तपना अकारांत, रवि इकारांत, बानु उकारांत, सविता, ये ऋकारांत है, सवित्री। उसके बाद बहुत होगा भास्वान, विभस्वान इत्यादि। तो इन सारे शब्दों के लिए, क्योंकि चारों पुल्लिंग हैं, आगच्छति, तो प्रश्न यदि आएगा कह तपना आगच्छति, तो तपना अंडरलाइन देगा, क्या देंगे कह, रवि जैसा रहेगा तो क्या देंगे कह, ये पहचानना है। अब इसी का द्विवचन, तपना तपनऊ, छात्र छात्रऊ, हैं तो जाएगा द्विवचन है यहाँ। अब कब क्या बताता है, पुल्लिंग द्विवचन के लिए, तो छात्रऊ भी द्विवचन, मुनि भी द्विवचन, गुरु भी द्विवचन, सवितारऊ नेतारऊ भी द्विवचन। इसी तरह छात्रा कवय गुरव नेतारा, ये बहुवचन है प्रथमा का। और कौ के में क्या बैठा है, प्रथमा पुल्लिंग बहुवचन। तो इस तरह होगा, ठीक। इसका स्त्रीलिंग में का के का है ना, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिका बहुवचन। पुरुपनाउन होगा रमा उमा, रमा एक वचन, रमा और उमा द्विवचन, रमा उमा राधा बहुवचन। इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीया माइंड करते हुए, एक वचन द्विवचन माइंड करते हुए दिया गया है। अब इसमें जहाँ जहाँ आपको मन लगे वहाँ वहाँ बनाएंगे। तपना आगच्छति, प्रश्न बनेगा कह आगच्छति, इस तरह से अपनी बुद्धि को लगा करके और इसमें प्रश्न बनाने का अभ्यास करेंगे। इस पर फिर मैं कल आपको दूंगा आगे का कार्य, पहले इसको व्यापक ढंग से पढ़िएगा, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी देंगे कल, और उसके बाद सबको अंडरलाइन करवाने का, अपने मन से अंडरलाइन कीजिए और सेट कीजिए कहाँ से जाके इसका प्रश्न बनेगा। मान लीजिए आप गुरुआ अंडरलाइन करते हैं, प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग हुआ, तो गुरुआ के लिए, गुरुआ हटाने के लिए क्या लाएंगे के, गुरुआ में क्या है, उकारांत पुल्लिंग है, इस तरह की बुद्धि सीखेंगे। माता ऋकारांत स्त्रीलिंग है, वधु उकारांत स्त्रीलिंग है, इसी तरह समझते समझते सब बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो ध्यान देंगे, श्रद्धा लगाएंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संजतेन्द्रिय, अज्ञानम लब्धवा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति, ये सार्थक आप लोग करेंगे। और आज का यही आपका होमवर्क हुआ। धन्यवाद।